तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि SWR पाइप 4 इंची का पाइप जो होता है ग्लेंडर मशीन से कटिंग करके कैसे हम आसानी से और बेहतरीन तरीके से फिटिंग करते हैं। और इस वीडियो में ही आपको दिखाएंगे कि डाइवेटर का इंस्टॉलेशन और डाइवेटर हम वाल में कैसे करके अच्छे ढंग से लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दिखाएंगे कि हम वाल मिक्सर को, जो वाल मिक्सर 5 इंची या 5.5 इंची पर पॉइंट रहता है, उसको कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लेंडर मशीन से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पेपर ले लेना है पेपर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 इंची पाइप को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद यहाँ पे सुलेशन डाल के यहाँ पे लगा देना है टीको। और टीको लगाने के बाद एक्चुअली ये दोस्तों बाथरूम का लाइन है, इसमें हमने बाथरूम का फिटिंग कर रहे हैं जो कि 4 इंची पाइप SWR पाइप है। दोस्तों यहाँ पे वाशर निकालने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर वाशर निकाल देते हो तो क्या होता है कि हमारा बाथरूम से कहीं से ना कहीं से लीकेज होने लगता है। तो वाशर आप लोग प्लीज नहीं निकालिए, उसके बाद सुलेशन लगाइए, नहीं तो आपके पास लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट लगाइए। उसके बाद यहाँ पे टुकड़ा एक लगा के, उसके बाद यहाँ पे हमने अभी जो बना रहे हैं सीट का लाइन है, जो इंडियन पेन होता है उसको हम लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देखिए इंडियन पेन को हम पूरा इंस्टॉलेशन आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। जो कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए बाथरूम का ऊपर वाला फ्लोर है, इस ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पे हम पहले एक एक करके ईंटे को अच्छे से जोड़ लेंगे। ईंटा को जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लंबाई ईटा के जोड़ लेना है आपको। सबसे पहले इंची टेप से नापी ले लेना है। हालांकि इस वीडियो में टाइम के कमी के कारण दोस्तों हमें थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का समय भी यहाँ पे बचे, समय आप लोगों का बर्बाद नहीं हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्लैप नहीं दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर डाउन स्लैप दिया हुआ रहता तो यहाँ पे इतना ऊंचा सीट को करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए हमने इंडियन पेन को यहाँ पे लगा दिया जो कि काफ़ी सुंदर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाथरूम का पानी निकलने के लिए हम नहानी ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउन स्लैप बनाया ही नहीं गया है। तो अगर डाउन स्लैप नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आपको आसानी से इस फिटिंग को कर सकते हैं, और ज़्यादा शॉर्ट में तो नहीं, लेकिन सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ नहानी ट्रैप का यूज़ करके 4 इंची पाइप को यहाँ पे कटिंग करके, और इसको 3-4 का नहानी ट्रैप यहाँ पे डाल के आप लोग यहाँ पे पेपर से पाइप को गर्म कर लीजिए। पाइप को गर्म करने के बाद यहाँ पे पाइप गर्म करने के लिए दोस्तों हमारे पास हीटिंग मशीन भी था, लेकिन हम हीटिंग मशीन का यूज़ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे अभी नया फ्लैट था और यहाँ पे कोई लाइन की सुविधा नहीं दी जाती है। जहाँ पे नया फ्लैट बनता है, नया मकान बनता है दोस्तों, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि वहाँ पे कभी कभी नया फ्लोर पे लाइन की सुविधा नहीं दी जाती है। और उसके दोस्तों हमने जो नहानी ट्रैप अभी लगा रहे हैं 4x3 का नहानी ट्रैप है, इसको सुलेशन से हमने अच्छे से फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों कि सिंगल लीवर का डाइवेटर है, इसमें MTA यहाँ पे 4 गो ले लेना है। 4 गो MTA पहले टेप्लॉन टेप अच्छे से लपेट देना है। उसके बाद साइज बाई साइज को आपको पाइप को कटिंग कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमने CPVC 0.5 इंची का पाइप लिया है, जो कि काफी बेहतरीन आजकल माना जा रहा है और काफी अच्छा भी लगता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे पार्ट को एक एक करके डाइवेटर में कस देना है, और डाइवेटर में कसने के बाद अभी से ही कितना सुंदर ये डाइवेटर लग रहा है दोस्तों, आप लोग को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और हमें भी लग रहा है। इसके बाद बाथरूम में भी फिटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए काफी सुंदर शावर का पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे ठंडा पॉइंट, गर्म पॉइंट, एक ही लाइन से, तीनों लाइन से यहाँ पे एक ही नल से पानी गिरेगा और ठंडा गर्म दोनों पानी का यहाँ पे आप लोग मजा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक एक करके आपको बाथरूम में फिटिंग कर देना है, जैसे कि 0.5 इंची CPVC पाइप है उसको यहाँ पे आपको फिटिंग कर देना है। दोस्तों इस वीडियो का आवाज हम इसलिए कटिंग कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे धराम धुरुम का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए हमने आपको सिंपल आवाज, सिर्फ अपना आवाज ही आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हथौड़ी से एक एक करके आपको पूरा क्लिप से ठोक देना है। उसके बाद यहाँ पे गीजर का पॉइंट आपको निकाल लेना है, एक तरफ गीजर और एक तरफ ठंडे पानी का लाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे गीजर टांगना पड़ेगा। जो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जिनको हो, आपको वहां पे गीजर टांगना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे बाथरूम देखिए कितना बेहतरीन और कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये देखिए डाइवेटर। दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मस्त वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नए प्लम्बर हो, पुराने प्लम्बर हो, अच्छी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी है। दोस्तों यहाँ पे ठंडे पानी, गर्म पानी, दोनों तरह के पानी यहाँ पे आप यूज करेंगे, और गीजर लगाएंगे बाथरूम फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अभी इसमें प्लास्टर होगा, प्लास्टर होने के बाद टाइल्स लगेगा, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इसके पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बेसिन का पॉइंट भी हमने बाहर में दिया है, जो कि बाथरूम के अंदर में हमें बेसिन नहीं देना था, बाहर में ही हमें बेसिन देना था। दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है ये वाल, जो कि खाली वाल है, इसमें हमने फिटिंग कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट का भी पॉइंट देना पड़ा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने किचन का पाइप जो है दोस्तों, छत पे जब ऊपर फ्लोर बनता है तो हमें कभी कभी परेशानी हो जाती है दोस्तों, कि हम पाइप का कटिंग जो है, पाइप का टुकड़ा कैसे निकालें। दोस्तों आड़ी से कटना नामुमकिन हो जाता है, तो आप लोग ग्लेंडर मशीन का यूज कीजिए, और ग्लेंडर मशीन से आप लोग पाइप को बराबर से कटिंग कर सकते हैं और अच्छे से भी कटिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो हम कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे पाइप का टुकड़ा फंस चुका है 1 इंची का, जो कि हमें निकालने में नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसको हल्का सा गर्म करके निकाल दिया है, और ग्लेंडर मशीन से ही सारा काम हमने यहाँ पर किया है, जो कि यहाँ पे सुलेशन लगा के यहाँ पे देखिए दोस्तों 1x1.5 का रडूसर हमने लगाया है, जो कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे फिटिंग किया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि वाल के बाहर जो हम पाइप का फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हालांकि किचन का जो है, यहाँ पे हमने पहले ही चेक कर लिया था, क्लाइंट का भी डिमांड था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप नहीं दिया जाए,
ओपन पाइप ही दिया जाए। लेकिन जैसे ही सिंक में यहाँ पे पॉइंट देना पड़ा, हमने फिर से ग्रुप कटिंग करके यहाँ पे प्रेशर भी जबरदस्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर जबरदस्त है। दोस्तों आपको अब तीसरे वीडियो की ओर ले चलते हैं। तीसरा वीडियो में यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले 5.5 इंची यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन आपको यहाँ पे वॉल मिक्सचर लगाना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, वॉल मिक्सचर यहाँ पे लगना नामुमकिन है, फिर भी आप लोग यहाँ सामने में देख रहे हो दोस्तों कि वॉल मिक्सचर लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को हमने ही बनाया था और अपने ही यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल पे यह वीडियो डाला गया था, लेकिन काफी लोगों ने इस वीडियो को चोरी करके और इसका पार्ट कुछ चोरी करके इस वीडियो को बनाया है। लेकिन अभी हम जो इसमें नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे काफी सुंदर और काफी बेहतरीन नॉलेज दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री आपको लेग मार्केट से खरीद कर ले आना है। जी हाँ दोस्तों, 90 डिग्री लेग मार्केट से खरीद कर ले आने के बाद यहाँ पे कैप जो लेना है, कैप प्लेन वाला लेना है और उसके बाद वॉल में कस देना है। कसने के बाद दोस्तों 90 डिग्री का जो ये लेग है, इसे हमारा वॉल मिक्सचर को हम अपने सेंटर के अनुसार कस सकते हैं और सेंटर के अनुसार लेके जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफी आपको डिस्टेंस और जगह मिल जाता है कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से फिटिंग वॉल मिक्सचर के कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देखिए दोस्तों कि हमने पहले सेंटर को मिला लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम लेग को कस रहे हैं, जो कि देखिए कितना आसानी से हाथ से इसको हम कस देंगे। यहाँ पे रिंच नहीं लगाएंगे दोस्तों, कस के इसको टाइट कर देंगे सिर्फ सलाई रिंच से हम हल्का सा, तो पानी एक बूंद लीक नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पे हेल्थ पॉसेट सावर भी लगाना है, क्योंकि इस वॉल मिक्सचर में हेल्थ पॉसेट सावर भी लगाया गया है। तो काफी महंगा ये वॉल मिक्सचर है, जो कि ये वॉल मिक्सचर करीब करीब 7000 के आसपास का वॉल मिक्सर है, और इसका फिटिंग हमने कर दिया जो कि नामुमकिन था। दोस्तों यहाँ पे इस फिटिंग को हमने कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि वॉल मिक्सर का फिटिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखिए कि हमने वॉल मिक्सर का फिटिंग यहाँ पे कर दिया, और ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हेल्थ पॉसेट सावर हम लगाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे हेल्थ पॉसेट सावर। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद इसका पानी चालू करके हम दिखाएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन प्रेशर इसमें है, जो कि पहले हम इसको कस लेते हैं। कसने के बाद देखिए यहाँ पे हमने बोल्ट चढ़ा दिया, और उसके बाद कसने के बाद यहाँ पे देखिए इसका टंगना था, इसमें हमने टांग दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग, ये कितना बेहतरीन दूर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहीं से कोई लीकेज नहीं है, और कितना अच्छा तरह से यहाँ पे टाइट हो चुका है, जो कि हेल्थ पॉसेट भी है। साथ में आपको हम सावर को भी दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ठंडे पानी का लाइन खोले, उसके बाद यहाँ पे नल में प्रेशर देखिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका प्रेशर देखने में। और यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हेल्थ सावर का प्रेशर भी बहुत अच्छा है, नहाने में मज़ा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, ये हमने वॉल मिक्सचर जो सबसे कठिन काम था उसको कर दिया। उसके बाद सावर में भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेशर है, जो कि यहाँ पे सावर में पानी गिर रहा है दोस्तों, और ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।